गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल केमिकल फ्री गार्डनिंग। आज का हमारा ये टॉपिक रहेगा कि हम ट्राइकोडर्मा जो होता है उसे मल्टीप्लाई कैसे कर सकते हैं। तो डायरेक्ट हम अपने सब्जेक्ट पे आते हैं। तो ये मेरा ट्राइकोडर्मा वीडी है। तो ये लिक्विड फॉर्म में लेके आई, मुझे पाउडर फॉर्म में मिला नहीं, ये लिक्विड फॉर्म में लेके आई थी। तो ये एक दो बार तो मैं ऐसे यूज़ कर चुकी हूँ डायरेक्टली। और मैं अभी 15 दिन पहले बनाया था, तो मैं परसों मैंने पूरे सारे प्लांटर में, जब पता चला धूप नहीं निकली तो सारे मिट्टी में डाल दिया था मैंने। मेरे पॉट इतने हैं तो सभी में पूरी एक बकेट भर के लग गया था। तो इसे मैं मल्टीप्लाई करना बताऊंगी। एक लीटर का है तो इसे हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब इसमें अगर हम 8 बार मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा प्रॉफिट रहेगा, क्योंकि मल्टीप्लाई करने से ये होता है कि एक तो हमारे पैसे की बचत हो जाती है, ठीक है, दूसरा बहुत हाई क्वालिटी के बैक्टीरिया मिलते हैं और ये पूरी तरह से जैविक है, ये बिल्कुल केमिकल नहीं है। तो ये जैविक है इसलिए हम इसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि कंपनी वाले तो कभी नहीं कहेंगे कि हाँ मल्टीप्लाई कर लो। अगर वो कह देंगे तो आपका तो फ़ायदा तो होगा मगर उनका नुकसान होगा। तो इसके मल्टीप्लाई करने के लिए मैंने इसमें ये 20 लीटर का 18 लीटर की बकेट है, ये इसमें पानी भर लिया है और ये गुड़ इसमें डाल दिया है। इसमें 100 ग्राम 50 ग्राम गुड़ डाल दिया है और उसमें मैं ये चाहो तो आप आधा ढक्कन डाल लो, ये एक ढक्कन भर के डाल लो, मैं तो ऐसे आइडिया से डाल लेती हूँ, 2 ढक्कन डाल लो। मतलब मल्टीप्लाई करने से होता है, और गुड़ जो होता है वो बहुत तेज़ी से मल्टीप्लाई करता है बैक्टीरिया को। कभी भी दही में देखा होगा तो सब लोग कहते हैं मीठा डाल के खाओ, दही गुड़ डाल के जाओ तो बेनिफिशियल बैक्टीरिया वो डबल हो जाती है, मल्टीप्लाई होते रहते हैं। तो ये बहुत बेनिफिशियल है। और अगर पाउडर फॉर्म में है तो आप उसे भी मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो ये देखो, ये जो फ़ायदा इससे ये होता है कि इसे अगर हम स्प्रे करते हैं तो जितने भी इसमें फंगल इन्फेक्शन होता है तो वो ख़त्म हो जाएगा। देखो पत्तियाँ जो होती हैं ब्राउन होकर गिर जाती हैं या फूल नहीं खिल पाते हैं, तो ये कुछ फंगस की वजह से होता है, कुछ वायरस होता है उसकी वजह से। तो हम इसको बहुत अच्छे से यूज़ कर सकते हैं, बल्कि मेरे लिए तो बहुत फ़ायदेमंद है, क्योंकि हम इसमें इतना पैसा इन्वेस्ट नहीं कर सकते हम अपने गार्डन में। तो इसे मल्टीप्लाई कर करके हम इसे यूज़ करते रहें। और इसमें एक बेनिफिट ये भी है कि अगर आपके पास ये नहीं भी है और लिक्विड बना हुआ रखा है बकेट में, तो आप उसे सारा यूज़ कर लो, बस आधा ये 1 लीटर निकाल के रख लो, आधा ये 1 लीटर निकाल के रख लो और फिर उस पर पानी डाल के और गुड़ मिला के फिर से उसे मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो इस तरह से हम उसे रीयूज़ कर सकते हैं। तो अगर आपके पास पूरा ना भी बचे तो ऐसे 1-1 लीटर बचा के आप इसे फिर यूज़ कर सकते हो। तो ये 2 बार तो मैं इसे यूज़ कर चुकी हूँ और 3री बार फिर से यूज़ कर रही हूँ, और 1 बार तो मैं डायरेक्टली उसमें मैंने वीडियो भी बना के डाला है। तो अगर पाउडर फॉर्म में अगर लेके आते हैं तो उसे आप गोबर में मल्टीप्लाई कर सकते हैं, और इससे भी मल्टीप्लाई कर सकते हो गोबर में डाल के, गुड़ भिगो के उसमें लिक्विड बना लो गुड़ का, जैसे शरबत टाइप का होता नहीं है, लिक्विड बना के और फिर उसमें ये मिक्स करके और गोबर में मिला दो। तो गोबर को फिर ठंडे एरिया में रखो, ऐसे नहीं कि गर्मी में रख दो, क्योंकि बैक्टीरिया ज़्यादा गर्मी से मर जाते हैं। तो गोबर को इसमें मिक्स करके और गुड़ का पानी मिक्स करके और बोरी में लपेट के रख दो, ऐसी जगह रखो जहाँ छाया में रखा है। मैंने भी देखा होगा आपने, ये बालसम की शेड पड़ रही है उसकी आड़ में रखा है, उधर धूप भी बहुत कम आती है तो वो धूप ज़्यादा नहीं लगेगी, बैक्टीरिया जीवित रहेंगे, उसे ढक के रख देना अच्छा रहता है। तो इसमें दो आते हैं बैक्टीरिया, वीडी आता है एक, ट्राइकोडर्मा एक, हर्बोजाइम आता है। तो आप जो मर्जी हो वो ले लो। फ्रेंड्स, इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। और फ्रेंड्स, अगर आप मल्टीप्लाई करके करते हैं तो आपके लिए बहुत प्रॉफिट रहेगा। नई जानकारी के साथ, नई वीडियो के साथ फिर मिलती, तब तक के लिए बाय बाय।